हेलो फ्रेंड, वेलकम इलेक्ट्रॉनिक में स्वागत है। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं मेरे पास माइक्रो लाइट का इन्वर्टर माइक्रोमैक्स एनर्जी का आया है। इसमें था, इसका मैंने बोर्ड रिप्लेस किया। इसका ये ओरिजिनल बोर्ड है, देख सकते हैं, ये इसका ओरिजिनल बोर्ड है। मैंने इसको रिप्लेस किया। इसका माइक्रो कंट्रोलर ख़राब था, नहीं मिल रहा था, तो मैंने इस बोर्ड को ही रिप्लेस कर दिया। ये नहीं मिलने वाला था मेरे मार्केट में, इसका माइक्रो कंट्रोलर। पूरी चेक कर उसका डाटा से चेक कर लिया, सारे वोल्टेज भी चेक कर लिया, नहीं बन रहा था, शॉर्ट था। तो मैंने एक मार्केट में मिलने वाले माइक्रोटेक का कॉम्पी बोर्ड मैंने लाया और इसको इंस्टॉल किया हूँ। देख सकते हैं कैसे मैंने इंस्टॉल किया। यहाँ पर देख सकते हैं, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर देख सकते हैं, ये 200 125 ग्राउंड है, ये वाला तीनों में, और उसके बाद ये देख सकते हैं, ये ब्लैक वाला एक ग्राउंड है, उसके बाद ऑरेंज वाला फीडबैक है। यहाँ पर फीडबैक कनेक्ट होगा जो फ्यूज से आता है, और उसके बाद है ये वाला, देख सकते हैं, येलो वाला आउटपुट है और रेड वाला इनमें एसी इनपुट है, और उसका कनेक्शन कर लिया। यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इंडिकेटर का कनेक्शन किया हूँ। इंडिकेटर का कनेक्शन, ये ग्राउंड है, ये लाइट सबका हो गया है, ये इन्वर्टर ऑन चार्जिंग, इस सारे का कनेक्शन किया हूँ। और देख सकते हैं यहाँ स्विच का हो गया कनेक्शन, वहाँ बैटरी कनेक्शन कर दिया हूँ। ये कॉफी बोर्ड है, देख सकते हैं, मैंने इसमें खरीद कर लाया था, ये कॉफी बोर्ड का दवा है। आइए हम इसको चालू कर दिखाते हैं। ये देख सकते हैं, देख सकते हैं ये चालू बैकअप मोड में आ गया। और हम इसको एसी लगाएंगे, एसी लगा कर इसका चार्जिंग दिखा रहा है। देख सकते हैं मेंस में गया और कुछ क्षण के बाद चार्जिंग होने लगा, चार्जिंग एलईडी हुआ करने लगा, फैन चलने लगा। उसके बाद हम दिखा देते हैं, मेरा देखिए लेकर चल रहा है, मेरा 15 एम्पियर से बैटरी चार्ज हो रहा है। देख सकते हैं इस तरह फिटिंग किया जाता है। इसी तरह के वीडियो मेरे चैनल पर, वेलकम इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर पहले से मौजूद है, आप देखें वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और कमेंट करें। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।